नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल वन डे एंड अदर एग्जाम चैनल पे। तो इस वीडियो में आप सबके लिए यूपी टेट 2018 जो परीक्षा चल रही है उसके लिए हम आप सबको हिंदी का वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें 12 पार्ट होंगे। इसमें हम सब आपको बता दें कि इसमें वही प्रश्न हैं जो इस एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक सीरीज मैंने आप सबके लिए चालू कर दिया है जो हिंदी शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। इसके बाद मैं आप सभी के लिए संस्कृत, बाल विज्ञान, पर्यावरण और जो इस सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक है, सारी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। सामाजिक विज्ञान हो, जीएस हो, सारी चीज़ें इसमें दी जाएंगी। तो आप अगर चाहते हैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, ना पसंद आए डिसलाइक करिएगा। अब हम आप सबके लिए 10 दिन के अंदर यानी कि 10 नवंबर तक सारी सीरीज़ की सारी सब्जेक्ट की वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे। यही आप सबके लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप इस एग्ज़ाम में इन सब से पढ़ के भी काफ़ी अच्छे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और लगातार नए। हाँ दोस्तों, चलिए हम सुन लोग देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे आप लोग उदाहरण देखिए, यहाँ वहाँ अब तक आदि जो होते हैं ये क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। दूसरा जो प्रश्न आप सबके लिए है वह है अव्यय किसे कहते हैं। तो अव्यय किसे कहते हैं, इसका जो उत्तर होगा, जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अव्यय कहते हैं। जिसमें न लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसे हम लोग अव्यय कहते हैं। तीन नंबर प्रश्न है, अव्यय के सामान्यतः कितने भेद हैं। तो इसके भेद पूछा है, अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो सामान्यतः इसके चार भेद बताए गए हैं। पहला कौन सा, क्रिया विशेषण भेद है। दूसरा संबंध बोधक भेद है। और तीसरा जो है समुच्चय बोधक है। और चौथा जो है विस्मयचय आदि बोधक, ठीक है। अगला हम प्रश्न लोग देखते हैं, चार नंबर प्रश्न है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। इसका जो उत्तर हो जाएगा, दो प्रकार के होते हैं वचन। पहला जो वचन है वह एक वचन होता है, दूसरा होता है बहुवचन हिंदी में, ठीक है। अगला जो प्रश्न वह है पाँच नंबर जो है, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, इसका उत्तर होगा, वह मूल ध्वनि जिसका और विभाजन नहीं हो सकता उसे हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। जिसका विभाजन नहीं होता उससे ज़्यादा उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे कि प, प, र, य, क आदि जो शब्द होते हैं ये उनको हम आदि विभाजन नहीं कर सकते, ये हमारे वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। ये उदाहरण है आपका। छह नंबर प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो इसमें जो है वर्णों का क्रमबद्ध समूह को ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों का क्रमबद्ध समूह होता है उसे हम लोग वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। सात नंबर प्रश्न है, उसको देखिए, सात नंबर प्रश्न, शब्द किसे कहते हैं। शब्द वह है दो या दो से अधिक जो वर्ण का मिलना होता है, यानी कि दो या दो से अधिक वर्णों को हम जब मिला देते हैं तो एक निश्चित अर्थ निकलता है जिसे हम शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जल, ज और ज धन ल जल मिला देते हैं, तो जैसे ज प्लस ल जल हो गया, तो इसे दोनों मिला देंगे तो जल हो जाएगा, इसका एक शब्द निकलेगा जिसके हम बोल सकते हैं यह उचित शब्द है, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है आठ नंबर, वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, ठीक है। यह समूह होता है जिसमें सार्थक समूह कहते हैं उसे हम वाक्य कहते हैं, जब किसी को बनाया जाता है, ठीक है। ये इस उसमें जो वर्ण मिलते थे तो होता था, और इसमें क्या मिलते हैं, शब्द मिलते हैं, ठीक है, तब आपका वाक्य बनता है। अगला देखिए, मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो मूल स्वरों की जो संख्या होती है वह 11 होती है, ठीक है। हिंदी मूल स्वरों की संख्या 11 है। संस्कृत भी मैंने बता दिया है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, हिंदी शिक्षा शास्त्र का जो वीडियो अभी चल रहा है उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब 10 नंबर प्रश्न है, मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो मूल व्यंजन संख्या आपकी 33 होती है। 11 नंबर प्रश्न है, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो छह संयुक्त वर्ण के अंदर छह ध्वनि आती है। देखिए अब हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे क्योंकि आप लोग ज़्यादा लंबा वीडियो देखते नहीं हैं, इसलिए हम आप सबके लिए जल्दी जल्दी प्रश्न और उत्तर बताते चलेंगे, ठीक है।
देखिए 12वां प्रश्न है, वह है त्र किन वर्णों के मेल से बना है। तो त्र कैसे बना है, त्र बना है त धन र, त और र, ठीक है, इससे मिलकर बना है त्र, ठीक है। अगला जो प्रश्न हुआ है, ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ट का उच्चारण स्थान क्या है, जहाँ से हम बोलते हैं यह मूर्धा से बोला जाता है, यानी कि ट का उच्चारण स्थान मूर्धा है, उसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, फ का उच्चारण स्थान है, तो फ का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो है दंतुष्ट, यानी कि जो फ होता है वो दंतुष्ट से बोला जाता है, इसलिए उत्तर हो जाएगा दंतुष्ट फ। अगला जो है, स स सह व्यंजन कहलाते हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये उष्म व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 15 नंबर, यरलव व्यंजन को कहते हैं, तो यरलव व्यंजन को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होता है यरलव, ठीक है। अगला प्रश्न वह है, क से म तक के व्यंजनों को कहा जाता है, तो क से म तक व्यंजन क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, क से म तक व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। 18वां प्रश्न है, घोष का अर्थ है, घोष का अर्थ क्या है, नाद, ठीक है, इसका उत्तर जो घोष का अर्थ नाद होता है। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास जिह्वा जिह्वा के दोनों ओर से निकल जाती है कहलाती है, यानी कि जो दोनों ओर की जिह्वा से निकल जाती है वो क्या कहलाती है, वो ध्वनि पार्श्विक कहलाती है, पार्श्विक ध्वनि कहलाती है, ठीक है, ये पार्श्विक ध्वनि होती है जो श्वास जिह्वा से दोनों ओर से निकल जाती है उच्चारण के समय, ठीक है। अगला प्रश्न, आ स्वर कहलाता है, आ स्वर क्या कहलाता है, विवृत स्वर कहलाता है, आ को हम विवृत स्वर भी कहते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर, वह है पश्च स्वर है, तो पश्च स्वर क्या है, ई आ जो होता है वह प्रश्न स्वर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, अग्रस्वर है, अग्रस्वर क्या होता है, तो ए जो होता है वह अग्रस्वर होता है ए। अगला प्रश्न है, रि व्यंजन किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है, तो रि जो उस बना है वह बना है स और र से, स बना है ये आपका, ठीक है। अगला प्रश्न वो है, ड ढ का व्यंजन वर्ग है, तो ड ढ का जो व्यंजन वर्ग है वह है मूर्धन्य उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त जो है वह ड ढ का व्यंजन होता है, ठीक है, व्यंजन वर्ग होता है। अगला प्रश्न है, ओम ध्वनि के उच्चारण में स्वर का कौन सा रूप प्रकट होता है, तो ओम ध्वनि में कौन सा स्वर का उच्चारण प्रकट होता है, तो है प्लुप्त स्वर, ठीक है, प्लुप्त स्वर आपका ओम में उच्चारण प्रकट होता है। अगला जो प्रश्न हुआ है, संघोष वर्णों का सही वर्ग है, तो संघोष वर्णों का सही वर्ग है ढ ढ, ठीक है, ढ ढ ये आपका सही वर्ग होगा संघोष का। अगला प्रश्न है, भ्राता का भाववाचक शब्द क्या होता है, तो भ्राता का भाववाचक शब्द होता है भ्रातृत्व, ठीक है, भ्रातृत्व होता है भाषा का, भ्राता का भाववाचक शब्द। अगला प्रश्न 28 नंबर, वह है सीमा दौड़ती है यहाँ दौड़ती है में कैसी क्रिया हो रही है, तो कैसी क्रिया है दौड़ती है में, अकर्मक क्रिया है ये दौड़ती है में, ठीक है। अगला प्रश्न 29 नंबर, यह है आशुतोष ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, इसमें मैं पढ़ूंगा क्या है, तो इसमें क्या होगा कि मैं पढ़ूंगा, इसमें है संज्ञा उपवाक्य, ठीक है, इसमें आएगा आपका संज्ञा उपवाक्य। अगला प्रश्न है, इसको आप देखिए, सोना चांदी और तेल पानी किस प्रकार के संज्ञा शब्द हैं, तो ये देखिए मैं ये वाक्य इसी तरीके से आपसे पुटअप होंगे, तो मैंने आपको केवल एक गेस टाइप का ये प्रश्न दिया गया है, इसमें उसको आप देखते रहिए, अनुमानन आप कर सकते हैं, शब्द वसल बदल सकते हैं, लेकिन भाव आपके यही रहेंगे एग्जाम में, ठीक है। देखिए इसमें लिखा सोना चांदी और तेल पानी किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है, ये सब द्रव्य है इसलिए आप द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं। अगला जो है, कृपाण का विलोम शब्द है, कृपाण का विलोम जो होता है वह होता है दानी, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह 32 नंबर, अनुराग का विलोम शब्द है, अनुराग का विराग विलोम शब्द होता है, अनुराग का विराग, ठीक है। अब 33 नंबर है, भोगी का विलोम शब्द होता है, भोगी का हो जाएगा योगी विलोम शब्द, ठीक है। अगला प्रश्न है, कीर्ति का विलोम शब्द क्या होगा, तो अब कीर्ति कीर्ति का विलोम हो जाएगा। 35 नंबर होगा, स्थूल का विलोम क्या होगा, स्थूल का विलोम हो जाएगा सूक्ष्म, ठीक है। अगला प्रश्न 36 नंबर, शीर्ष का विलोम शब्द है, तो शीर्ष का कौन सा विलोम शब्द है, तो वह तल होता है, आप शीर्ष नहीं आप तल हो तो विलोम है। और शोषक का विलोम शब्द क्या होता है, शोषक का शोषित होता है विलोम शब्द, ठीक है। ये देखिए महत्वपूर्ण विलोम शब्द दिए जा रहे हैं आप सबके लिए जो एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं।
अगला प्रश्न है, मृदु का विलोम शब्द क्या होता है? तो मृदु का विलोम शब्द होता है कटु, मृदु का विलोम हो जाएगा कटु। और कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? तो कलुष का जो विलोम हो जाएगा निष्कलुष, ठीक है, निष्कलुष हो जाएगा कलुष का शब्द विलोम। अगला प्रश्न है, निर्दय का विलोम शब्द होगा, तो निर्दय का जो होगा वह सदय विलोम हो जाएगा। अगला है, निरोग का संधि क्या है? तो निरोग में संधि कौन सी है? तो निरोग में विसर्ग संधि होती है, ठीक है, निरोग में आपका विसर्ग संधि होती है, ये संधि पूछा है, ठीक है। 41 हो गया, 42 नंबर देखते हैं, निस्तेज में कौन सी संधि है? तो निस्तेज में जो है विसर्ग संधि होती है, ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद है, तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होता है? तो ये होता है उत्धन ज्वल होता है आपका उज्ज्वल, आपका उत्तर हो जाएगा उद्धन ज्वल। अगला प्रश्न 44 नंबर, उसको देखते हैं, बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बहिधर कार हो जाएगा आपका बहिष्कार का संधि विच्छेद। ये महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं, आप इसको देखते रहें, हो सकता है सेम टू सेम एग्जाम में आपका आ जाए, ठीक है। अगला देखिए, चयन में कौन सी संधि है? तो चयन में कौन सी संधि होती है? अयाद संधि होती है चयन में, ठीक है, चयन में आपको संधि पूछा तो अयाद संधि। अब 46 नंबर देखते हैं, अन्वय में कौन सी संधि है? तो अन्वय में कौन सी संधि है, ये संधि पूछा है, तो इसमें गुण संधि होता है अन्वय में, ठीक है। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद होगा, तो सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए इसका बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, इसमें है सत धन चित धन आनंद, देखिए बहुत बढ़िया है, सत धन चित धन आनंद, ये आपका सच्चिदानंद का संधि विच्छेद होगा। 48 नंबर पर आते हैं हम लोग, वह उन्नति का संधि विच्छेद है, उन्नति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत धन नति होगा आपका उन्नति का संधि विच्छेद, ठीक है। अगला है, निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि होती है निर्धन में विसर्ग संधि है। अब 50 और लास्ट है, ये देखिए, सूर्य धन उदय का संधि युक्त शब्द है, तो सूर्य धन उदय का संधि युक्त कौन सा है? सूर्योदय, आप सूर्य धन उदय को मिला देंगे तो आपको सूर्योदय बन जाएगा, ठीक है, ये किस संधि युक्त शब्द है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ, ये 12 पार्टों में आपको दिया जा रहा है, ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, धन्यवाद।